कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं हो जाती है जिससे पूरे सिस्टम का मॉरल डाउन होता है। ऐसी एक घटना 2009 की उत्तराखंड पुलिस के साथ हुआ देहरादून में। 2009 और आज 2022, इस दौरान कोई ऐसा चर्चित एनकाउंटर नहीं पुलिस कर पाई या बड़ी कार्रवाई बदमाशों के खिलाफ कर पाई कि उस 2009 की घटना से पुलिस का मॉरल डाउन है। ये बड़ी चर्चित घटना है रणबीर एनकाउंटर। 2009 3 जुलाई 2009 की बात है। महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में आगमन था और पूरा नेशनल मीडिया राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए देहरादून में उपलब्ध था। उसी दौरान पुलिस की चेकिंग चल रही थी, जो रूटीन एक प्रक्रिया है। पुलिस ने देहरादून के आरा घर क्षेत्र में एक बाइक सवार को रोका। 3 लोग उस पर बैठे थे, संदिग्ध समझ के पुलिस रूटीन में बाइक सवार को रोक रही थी और किसी बात पे कवा सुनी होगी। और ये घटना इस लेवल पे पहुंची कि 17 पुलिसकर्मी लंबे समय जेल में रहे। कुछ लोगों बरी हो गए, कुछ लोगों को पिछले हफ्ते अभी नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। तो आज हम बात कर रहे हैं रणबीर एनकाउंटर की। 3 जुलाई 2009 में कथित एनकाउंटर के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर संतोष जायसवाल, एसओजी प्रभारी नितिन चौहान, जीडी भट्ट, नीरज यादव, कांस्टेबल अजीत जिनको अभी जमानत मिली है, और इनके सहित 17 पुलिसकर्मी जिनको उस रणबीर एनकाउंटर में आजीवन कारावास हुआ। कुछ को न्यायालय ने बरी कर दिया। अभी तक 5 लोग सुद्धवाला जेल देहरादून में बंद थे। रणबीर एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उत्तराखंड पुलिस के दामन पर कभी न धुलने वाला ये दाग लगा। कोर्ट से भी ये हकीकत साबित हो गई थी कि एमबीए के छात्र रणबीर को पुलिस ने उठाकर मारा था। देहरादून के मोहिनी रोड पर गाली गलौज को लेकर एक दरोगा से टकराव हो गया। चौकी में सबक सिखाने के लिए दी गई यातनाओं से हालत बिगड़ने पर ये पूरा खेल लचा गया। मुठभेड़ को लेकर पुलिस की तो अपनी कहानी है, लेकिन बाद में पूरी साजिश सामने आ गई। असलियत यह थी कि 3 जुलाई 2009 की दोपहर को रणबीर 2 साथियों के साथ मोहिनी रोड पर बाइक लिए खड़ा था। डालनवाला कोतवाली से लौटते हुए दरोगा जीडी भट्ट ने संदिग्ध मानते हुए उनसे सवाल जवाब किए। निर्दोष रणबीर को खुद को संदिग्ध मानने तिलमिला उठा। संदिग्ध कही जाने को लेकर दरोगा से कवा सुनी और बात बढ़ते हुए धक्का मुक्की तक हो गई। किसी ने इस हंगामे की जानकारी कंट्रोल रूम पर दी। पुलिस रणबीर को पकड़कर आरा घर चौकी ले आई। रणबीर के परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर उसे 3rd degree टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस की कहानी के मुताबिक 3 जुलाई 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का मसूरी दौरा होने के कारण पुलिस काफ़ी सतर्क थी। सर्कुलर रोड पर आराघर चौकी प्रभारी जीडी भट्ट दोपहर के समय वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों को रोका गया, तो उन्होंने दरोगा भट्ट पर हमला कर उनकी सर्विस रिवाल्वर लूट कर भाग गए। लूटपाट के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। कंट्रोल रूम में पुलिस ने बदमाशों की तलाश का मैसेज दिया और बदमाशों की तलाश शुरू की गई। करीब 2 घंटे बाद देहरादून के समीप लाड़पुर के जंगल में बदमाशों से मुकाबले का पुलिस का दावा है। आमने सामने की फायरिंग में पुलिस ने रणबीर पुत्र रविंदर निवासी खेकड़ा बागपत को मार गिराने का दावा किया, जबकि तथाकथित 2 साथी फरार दर्शाए गए। मौके पर ही लाइसेंस के आधार पर उसकी पहचान की गई। उस समय अफसरों ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस की पीठ थपथपाई। बहुत अच्छा कार्य है, इनामों की भी बरसात हुई।
और अपना जुर्म छुपाने के लिए पुलिस उसे गाड़ी में डालकर लाडपुर के जंगल में ले गई थी, ऐसा सीबीआई का कहना है और रणबीर के पिता का कहना है, जहां पर उसे फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस कहानी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तस्दीक करती है। रिपोर्ट में कहा गया था कि रणबीर के शरीर में 28 चोटें पाई गई। इस हकीकत को आधार बनाकर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जंग लड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद उत्तराखंड में 2009 में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी करार दिए गए पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने हालांकि दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए 11 अन्य पुलिसकर्मियों को सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। हालांकि दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए 6 जून 2014 को 22 आरोपी पुलिसकर्मियों में से 18 को हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड पुलिस की संलिप्तता के चलते इस केस की जांच सीबीआई से कराई गई। पुलिस कोर्ट में यह साबित करने में नाकाम रही कि रणबीर वहां किसी वारदात को अंजाम देने आया था और इस प्रकार 17 पुलिसकर्मी उस एक चर्चित एनकाउंटर के भेंट चढ़ गए। और मेरा और वहां उस मौजूद पत्रकारों का मानना है कि कुछ एक दरोगा और पुलिसकर्मी तो गुड बुक में रहने के लिए खाली इनाम पाने की चाहत में भी अपना नाम लिखा बैठे और बाद में ये सब परेशानियों में झेला। ये एक पहलू है इस रणबीर एनकाउंटर का। और हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस की उस गलती की वजह से उत्तराखंड में 2009 से आज तक शायद एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ या कोई बड़ी वारदात पुलिस रोक पाई हो। इस तरीके से पुलिस का मोरल आज भी इतना डाउन है। मैं क्राइम पेट्रोल के लिए प्रवीण भारद्वाज, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आप हमें कोई अपना मैसेज देना चाहते हो या आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें हमारी मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार।